दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ज्वालामुखी के अग्रवाल ट्रस्ट और गीता भवन में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किए गए दूसरे राज्य से आए लोगों ने प्रशासन द्वारा उनको दी गई सुविधाओं पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं यहां पर मुहैया करवाई जा रही हैं, वे बेहतर नहीं हैं। इससे बीमारी फैलने का खतरा हो सकता है, इसलिए उनको अलग अलग स्थानों में रखा जाए जहां अलग अलग शौचालय हों और साथ ही भोजन व अन्य सुविधाएं बेहतर हों। उनका कहना है कि कमरे अच्छे व साफ सुथरे होने चाहिए। उन्होंने ऐसी कई खामियों की तरफ प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया और आग्रह किया कि यहां क्वारंटाइन किए गए लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। नमस्कार जी, मैं गौरव कपूर बैद्यनाथ का स्थायी निवासी हूं। जैसे कि हम लॉकडाउन के बीच में बैंगलोर में फंस चुके थे, तो हमारी सरकार ने स्पेशल ट्रेन चला के हमें यहाँ तक पहुँचाया। रखा गया था रूम, एक रूम में दो लोग और लैटरिन बाथरूम थे, वो 5-6 लैटरिन बाथरूम को 100-150 बंदा शेयर कर रहा था, तो उससे भी हम नाखुश थे। नमस्कार सर, मैं अनिल, मैं आपका स्थायी निवासी हूँ। अभी हम बैंगलोर से ऊना और ऊना से अभी ज्वाला जी अग्रवाल ट्रस्ट में हैं। पहले हमारे लिए रूम तो अच्छे थे बट टॉयलेट वगैरह तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जैसा ही मीडिया के हमारे माध्यम से पता लगा कि यहाँ पे वो रहना बना और ये टॉयलेट वगैरह की समस्या थी, जैसे हमको हमने अपनी समस्या बताई, हमने तुरंत अपना एक्शन लिया, हमारी बातों का अमल किया और उनके द्वारा हमें अभी अच्छे रूम और अभी सब कुछ प्रोवाइड हो गए हैं। 102 लोग जो कर्नाटका से ट्रेन में आए थे उनको ठहराया गया है। इसके अलावा जो लोग क्वारंटाइन को वायलेट कर रहे हैं उनको भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन यहीं पर गीता भवन ट्रस्ट या अग्रवाल ट्रस्ट में हम कर रहे हैं। एक लड़के को आज ही यहाँ पे कठोर से लाया गया है। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं वो इस अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन से, पुलिस से, इवन अपने लोकल पीआरआई से। मैं पालनपुर प्रेस क्लब का एक प्रतिनिधि होने के नाते अपने पत्रकार बंधुओं को एक संदेश यहां से प्रेषित करना चाहता हूं कि ये जितने भी हमारे कोरोना योद्धा, हमारे पत्रकार एक कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं और बड़े बड़े इन जगहों पे जा रहे हैं जहां पे कंटेनमेंट या बफर जोन्स हैं, तो उन्हें मैं इस बात पर आगाह करना चाहता हूं कि अगर ऐसे किसी इलाके में वो जाएं तो वो अपना पूरा N95 का मास्क पहने और इसे बिल्कुल ना खोले, और अदरवाइज वो जहां भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं अपना मास्क जब एक और लगा लिया, जब किसी दूसरे से बातचीत इंटरव्यू ले रहे हैं तो वहां पर मास्क ना खोले, क्योंकि अगर मास्क में आपका जरा भी थोड़ा सा भी इसका वायरस अंदर मास्क के अंदर चले गए तो आप जब इसको लगाएंगे दोबारा तो ये जो है सांस के माध्यम से आपके अंदर जा सकता है। और ये जो हमारे माइक हैं, जैसे आप ये माइक देख रहे हैं, इसके ऊपर जो ये स्पंज लगी हुई है, इस स्पंज को चेंज करते रहें या धोते रहें और इसको सैनिटाइज करके जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो इसे ज्यादा किसी के मुंह के आगे ना रखें। मैं पत्रकार प्रतिनिधि होने के नाते प्रेस क्लब पालनपुर मैं यही आपको यही संदेश देना चाहता कि हमारे पत्रकार बंधु भी अपना पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद। अरे ये क्या कर रही हो, क्यों क्या हुआ? अरे इस प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को संभाल कर रखो, 75 रुपए किलो बिकता है ये। 10 रुपए किलो बिकने वाली रद्दी को बड़ी संभालती हो। अब प्लास्टिक कोई कचरा नहीं है, इसे बेचें, पैसा कमाएं और प्लास्टिक प्रदूषण से राहत पाएं। राज्य के स्थानीय शहरी निकायों में स्थापित प्लास्टिक कचरा खरीद केंद्रों में रिसाइकल न हो सकने वाले ब्रेड, केक, बिस्किट, कुकीज, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, वेफर्स, कैंडीज, नूडल्स की पैकेजिंग प्लास्टिक के कचरे तथा विभिन्न प्रकार की तरल सामग्री जैसे दूध, तेल, शैम्पू, हैंड वॉश, लस्सी, दही, जूस इत्यादि को साफ व सूखे पैकेजिंग प्लास्टिक का कचरा बेचा जा सकता है। चल पड़ी है ये लहर, हर गाँव हर शहर प्लास्टिक कचरे से प्रदेश को मुक्त कराना है। हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जनहित में जारी।